Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. घंटों की बहस चल रही है घर के अंदर, कौन जीतेगा इलेक्शन, कौन हारेगा इलेक्शन. घंटे सर्फ हो रहे हैं, किसी को ख्याल नहीं आ रहा, हर कोई अपने दलाल के साथ जो है वो इस मैदान में खड़ा है. और घंटों की बेमकसद बहस है जिसके अंदर वक्त जाया किया जा रहा है. और ये वक्त का जिया इतनी बड़ी जो है वो नेमत का जवाल है कि अगर इंसान को पता लग जाए कि कल क्यामत के दिन मुझसे इस वक्त की घड़ियों का भी हिसाब लिया जाएगा तो फिर ये कितना मुश्किल काम हो जाएगा. तो मुझे और आपको अपनी आखिरत की तरफ तवज्जो दिलाई गई है. इसका ये कतन मकसद नहीं है कि मैं और आप हाथ पर हाथ धर के बैठ जाएं और दुनिया को तर्क कर दें, ये मकसद नहीं है. ये इस्लाम का हुस्न है कि इस्लाम दुनिया और आखिरत दोनों की तालीम देता है. और ये हुस्न इस्लाम ने जमाने को मुतारफ करवाया. हमें तो ये दुआ सिखलाई गई ना, रब्बाना आतीना फिर दुनिया हसना व फिर आखिरत हसन. ए अल्लाह मुझे दुनिया की भलाइयां भी दे दे और मुझे आखिरत की भलाइयां भी अता कर दे. हुजूर अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी आए ना जो बज़ाहिर बड़े कमजोर से थे, तो मेरे हुजूर पूछा कि क्या तुमने कोई दुआ मांगी है. अर्ज की, जी हुजूर मैंने दुआ मांगी है. तो हुजूर मैं तुमने अल्लाह से क्या मांगा है. अर्ज की कि हुजूर मैंने दुआ मांगी है कि या अल्लाह जितने दुख आने हैं मुझे दुनिया में ही आ जाए और मेरी आखिरत बेहतर हो जाए, जो आखिरत की भी तकालीफ हैं परेशानियां हैं वो मुझे दुनिया में आ जाए. तो ये बज़ाहिर बड़ी खूबसूरत दुआ थी कि दुनिया को तर्क करके आखिरत को बेहतर करना चाहा और कहा कि आखिरत के दुख भी दुनिया पे आ जाए और मेरी आखिरत ठीक हो जाए. तो ये बज़ाहिर बड़ी खूबसूरत बात थी लेकिन मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसकी हौसला अफजाई नहीं की बल्कि हौसला शिकनी की. हुजूर मैं कि तूने ये क्यों कहा कि ऐ अल्लाह जितने दुख आने हैं वो मुझे दुनिया में आ जाए और जितने सुख हैं वो आखिरत पे आ जाए, तूने ये दुआ क्यों ना की, रब्बाना आतीना फिर दुनिया हसना फिर आखिरत हसना. ए अल्लाह मेरी दुनिया भी बेहतर कर दे, मेरी आखिरत भी बेहतर कर दे. तो मोमिन तो दोनों राहों का जो है वो मुसाफिर है. और दुनिया जो है, हज़रत सुफियान सोरी अली रहमा फरमाया करते थे कि इस दौर के अंदर दुनिया का माल जो है वो मोमिन के लिए ढाल है. और मैं अगर हमारे पास दुनिया का माल ना होता तो बादशाह हमें रुमाल की तरह इस्तेमाल कर लेते. यानी कि अपनी ज़रूरियात जब इंसान की पूरी नहीं होंगी तो यकीनन वो गलत राहों का मुसाफिर बनेगा और फिर वहाँ से धोखे से भी माल कमाना शुरू कर देगा. तो दुनिया ज़रूर कमाई जाए, ये नहीं है कि दुनिया ना कमाए, लेकिन सादा लफ्ज़ों में बात करूँ तो दौलत कारून ना इकट्ठी करे दौलत उस्मान. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.